तो हमने अभी तक क्या किया, ये सारे केस को इकट्ठा किया। अब चेक करो, तीन केस हमने किए। पहला केस क्या किया, स्ट्रिंग टाइड एट बोथ दी एंड्स। दूसरा केस क्या किया, पाइप ओपन एट वन एंड। और तीसरा, पाइप ओपन एट बोथ एंड। तीन केस हो गए। इसमें मोड ऑफ वाइब्रेशन है n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 n तक। समझ में आ गया यहां तक? जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये पहली फ्रीक्वेंसी है स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड में न्यू वन, जिसका फॉर्मूला क्या था, v बाई 2l। फिर सेकेंड फ्रीक्वेंसी क्या थी, 2 into new 1। थर्ड क्या थी, 3 into new 1। नेक्स्ट क्या है, 4 into new 1। और लास्ट क्या है, n into new 1। क्लियर है यहां तक? तो ये बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज निकल रही हैं। जो पहली फ्रीक्वेंसी है, इसका नाम क्या है, फंडामेंटल। पहली फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल है। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं फंडामेंटल को छोड़ के, उनका नाम है ओवरटोन्स। तो मतलब आपको, अगर मान लो एक जो ऐसी साउंड जनरेट हुई, उसमें पहली फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू वन है, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी न्यू टू, न्यू थ्री, न्यू फोर एंड सो ऑन, तो पहली फ्रीक्वेंसी जो है उसका नाम है फंडामेंटल, और बाकी फ्रीक्वेंसीज का नाम है ओवरटोन्स। तो जैसे फंडामेंटल क्या है, ये फंडामेंटल है। पहला ओवरटोन क्या है, देखो ये ओवरटोन की कैटेगरी में नहीं आता। पहले फंडामेंटल होता है, तो ओवरटोन यहां से स्टार्ट है। तो ये कौन सा ओवरटोन है, ये आपका पहला ओवरटोन है। तो इसलिए ओवरटोन की नंबरिंग यहां से स्टार्ट नहीं होती, ओवरटोन की नंबरिंग यहां से स्टार्ट होती है सेकेंड फ्रीक्वेंसी से। तो सेकेंड फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। तो एक और शॉर्टकट है, जो भी आपकी n की वैल्यू है उसमें से 1 माइनस कर दें तो ओवरटोन आ जाएगा। तो अगर n इज इक्वल टू 1 है तो ये 0th ओवरटोन है, n इज इक्वल टू 2 है फर्स्ट ओवरटोन है, 3 है सेकंड ओवरटोन है, एंड सो ऑन। क्लियर है यहां तक? ओवरटोन की नंबरिंग क्लियर है। नेक्स्ट है, इसके अंदर जो सेकंड केस है, पाइप ओपन एट बोथ एंड, उसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी याद करनी है, v बाई 4l। और इस केस में सेकेंड फ्रिक्वेंसी 3 into new 1 है, नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 5 into new 1 है, 7 into new 1 है, और 2n-1 into new 1 है। नेक्स्ट है, लास्ट है। लास्ट और फर्स्ट केस बराबर है, पहली फ्रीक्वेंसी न्यू वन है, सेकेंड फ्रीक्वेंसी 2 into new 1 है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 3 into new 1 है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 4 into new 1 है, और लास्ट n into new 1 है। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है हार्मोनिक्स। ये हार्मोनिक्स क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो न्यू वन है। मान लो किसी मोड में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 7 into new 1 है, तो न्यू वन का कितना मल्टीपल है, 7, तो ये 7th हार्मोनिक है। तो मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज हार्मोनिक। जैसे ये कितने टाइम न्यू वन है, 2, तो ये सेकेंड हार्मोनिक है। ये कितने टाइम न्यू वन है, 3, तो ये थर्ड हार्मोनिक है। कितने टाइम न्यू वन है, 4th। कितने टाइम न्यू वन है, nth हार्मोनिक है। फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि न्यू वन के आगे 1 लगा हुआ है, तो 1 into new 1 है। जैसे फर्स्ट हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक है, सेवंथ हार्मोनिक है, और 2n-1th हार्मोनिक है। इसके अंदर ऑड हार्मोनिक्स नहीं होते। इसमें स्ट्रिंग जो पाइप है, ओपन एट वन एंड एंड क्लोज एट अदर एंड में ऑड हार्मोनिक होते हैं, इवन नहीं होते। इसके अंदर सारे प्रेजेंट है, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है। ये वाला और ये वाला केस तो एकदम सेम है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि सपोज सेकंड ओवरटोन का केस लो। अब वो मोड ऑफ वाइब्रेशन देता नहीं है, सेकंड ओवरटोन की बात करेगा या हार्मोनिक की बात करता है। सेकंड ओवरटोन का मतलब क्या है, कौन सा केस है, n इज इक्वल टू 3। तो n इज इक्वल टू 3 में कोई भी केस देगा, मान लो पाइप क्लोज एट वन एंड ओपन एट अदर एंड, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 5 into new 1। टेबल पता होगा तो मैच कर सकते हो। ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ न्यूमेरिकल में कैसे करना है।